अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां हवेली रेस्टोरेंट में साथी वकीलों से मारपीट के मामले को लेकर मंगलवार को आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कचहरी के सामने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प भी हुई है। करीब एक घंटे तक चले जाम के दौरान कुछ वकीलों और नगर कोतवाल के बीच धींगा मुस्ती भी हुई। बीते दिनों लखनऊ रोड स्थित कालका हवेली रेस्टोरेंट के कर्मियों और वकीलों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें एक अधिवक्ता को गंभीर चोटें भी आई थी। इसी को लेकर बुलाई गई सदन की आपात बैठक में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसके तहत मंगलवार को भारी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए और कचहरी के सामने सिविल लाइन सादतगंज मार्ग जाम कर दिया। जाम के दौरान अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बिफरे वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इसी बीच कुछ अधिवक्ता आवेशित हो गए और नगर कोतवाल से भिड़ गए। कुछ देर के लिए तो तनावपूर्ण स्थिति बन गई, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप के बाद वकील शांत हुए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा के नेतृत्व में हुए जाम के दौरान आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है। वकीलों के जाम को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि जाम की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। पहले से तय था, पुलिस वालों ने मुलजिमों को पकड़ा नहीं और पैसा लेकर के अनुचित लाभ से जो है डालते रहे, मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया था और जुलूस निकाला है। उसे पूछिए कि वो मुलजिम को कब लाएंगे। हम तो जान रहे हैं कि मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए वो सब कई अरबपति आदमी हैं और कैंट पहले ही 15 अपराध उनका माफ़ कर चुका है, तो 16वां भी फाइनल रिपोर्ट लगाने के चक्कर में होगा। इसके मुख्य अभियुक्त तो जब नामजद हैं, वो सारे लोग वहीं पर थे तो पकड़े क्यों नहीं गए। ये चीज़ आप उनसे पूछिए, पुलिस प्रशासन से पूछिए कि आप लापरवाह क्यों हो गए। भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकाल में वो लोग इतना निरंकुश हो गए हैं कि पैसे रुपये ध्यान नहीं, मतलब पैसे रुपये या किस चीज़ की स्थिति में वो आकर के मुलजिमों को पकड़े ही नहीं। वजह क्या थी? यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर पर कालिका हवेली ढाबा है और कालिका हवेली ढाबा पर आए दिन डायल 112 और ये कोतवाल, ये कैंट और तमाम गाड़ियां पुलिस की खड़ी रहती, वहां करती क्या ये नहीं पता है। लेकिन जब वकील मारे गए तो परस्य पुलिस प्रशासन का था। अब वकील दो जीवन मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी हटा ली गई है और उनको सहयोग नहीं दिया जा रहा। मुलजिम शरेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और उनका होटल भी चल रहा है। बंद करने के लिए ये जाते हैं तो इन्हीं को दबाव होटल वाले बनाते हैं कि भई आप बंद कैसे कराएंगे। तो बंद कराने का हमारा उद्देश्य नहीं है, मुलजिम जिन्होंने अपराध किया है उनको गिरफ्तार होना चाहिए। कुल मिलाकर के पुलिस प्रशासन से आप पूछिए कि वो मुलजिम को कहाँ रखे हैं और कब वो लेके आके पकड़ के कोर्ट में हाजिर करेंगे, ये उनसे पूछने की ज़रूरत है। हम अपने आंदोलन को आगे कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हम 12 बजे रात में भी अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि हमारा अस्तित्व खतरे में है तो हम 12 बजे रात में भी आंदोलन शुरू करेंगे और 12 बजे रात में भी उनके कालिका हवेली ढाबा पर चल करके विरोध जताएंगे। लेकिन ये पुलिस प्रशासन को बताना होगा कि वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहा है, किन परिस्थितियों में नहीं कर रहा, कौन सी वजह है कि जो 5 नामजद और 15
अज्ञात, और इनमें मिले हैं चार, एक बहराइच, दो तीन बहराइच में मिले, एक आध दो इधर उधर मिले, गिरफ्तारी अभी तक नहीं। आप उनसे पूछिए कब गिरफ्तार कर रहे हैं, बस इतना कहना।